नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुनो फिर चुनो में आज हम बात करेंगे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट की, जहां से कांग्रेस ने प्रिया दत्त तो बीजेपी ने पूनम महाजन को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी से फिरोज पालखीवाला तो समाजवादी पार्टी से फरहान आजमी मैदान में हैं। मुंबई की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मुंबई नॉर्थ सेंट्रल के इस बार के चुनावी समीकरण कैसे हैं, आइए जानते हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट मुंबई की सबसे हाई प्रोफाइल सीट। इसी इलाके में रहते हैं बॉलीवुड के तीन खान, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। लेकिन इस हाई प्रोफाइल इलाके की हकीकत यह भी है कि इस इलाके में झुग्गियों में रहने वालों की संख्या अच्छी खासी है। वैसे तो ये इलाका ठाकरे फैमिली का गढ़ है, लेकिन सालों से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। प्रिया दत्त यहाँ से मौजूदा सांसद है, लेकिन इस बार प्रिया दत्त को कड़ी टक्कर मिल रही है। बीजेपी ने इस सीट से प्रमोद महाजन की लड़की पूनम महाजन को टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी से अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने ताल ठोका है। वही आम आदमी पार्टी की तरफ से फिरोज पालखीवाला चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें विले पार्ले, चांदिवली, कुर्ला, बांद्रा पूर्व, बांद्रा पश्चिम और कलीना। इनमें से 4 कांग्रेस के पास है तो एक एनसीपी और एक शिवसेना के पास है। वैसे इस लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं की बात करें तो अवैध झोपड़े एक प्रमुख समस्या है, साथ ही में ट्रैफिक की समस्या भी अहम है। इस लोकसभा सीट से पहले सुनील दत्त चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त लगातार 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती है। साल 2009 में राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी बीजेपी के टिकट पर प्रिया दत्त के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन वो करीब 1.5 लाख वोटों से हारे थे। लेकिन इस बार शिवसेना बीजेपी ने संजय दत्त के पेरोल को मुद्दा बनाया है, जिसने प्रिया दत्त की मुश्किलें बढ़ाई है। साथ ही में समाजवादी पार्टी के फरहान आजमी के उम्मीदवारी से कांग्रेस के पारंपरिक मुस्लिम वोट बंटने की संभावना जताई जा रही है। यहां आम आदमी पार्टी का भी अच्छा खासा शोर है। ऐसे में देखना होगा 2014 के चुनाव में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर जीत का परचम कौन लहराता है। आसिफ रिजवी के साथ शिव शिंदे, P7 न्यूज, मुंबई। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रिया दत्त जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, लोगों के बीच जा रही हैं, गली गली प्रचार हो रहा है, किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? रिस्पांस बहुत अच्छा है और आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से रिस्पांस हुआ है और जो हो रहा है, और वेरी गुड रिस्पांस। तो मैम, फर्स्ट टाइम काफ़ी वोटर्स हैं आपके क्षेत्र में, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स को यही कहूँगी कि बहुत सोच समझ के वोट कीजिए, और बहुत ये 18 साल की उम्र के जो वोटर्स हैं वो जानते नहीं कि 10 साल पहले क्या था और अब क्या है, उनको ये जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। और वो ऐसे एज में आए हैं विच इज़ टेक्नोलॉजी का एज, हाँ, तो जो कुछ भी उनको टीवी पे दिख रहा है वही सच नज़र आ रहा है, लेकिन उनको बहुत सोच समझ कर ऐसी सरकार को लाना चाहिए जो सांप्रदायिकता को देख के चलती है। मैम, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार हैं इस बार बीजेपी से, पूनम महाजन है आपके सामने, आम आदमी पार्टी भी, किसी को चुनौती मानते हैं? हर चुनाव एक चुनौती है और हर ऑपोजिशन एक चुनौती है। मैं कभी ऐसा नहीं समझ के मानती हूँ कि अरे मेरे, बिल्कुल नहीं, और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर चुनाव। और मैम, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, प्रिया दत्त जी को इस बार लोग वोट क्यों दें? आई थिंक वो सवाल आपको लोगों को पूछना चाहिए, मैं नहीं बोल सकती है कि मुझे वोट क्यों दें। अगर मेरा काम उनको ठीक लगा है और अगर वो समझते हैं कि मैं एक ईमानदार और मेहनती और एक सच्ची इंसान हूँ, वो मुझे वोट देंगे, बाकी फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी प्रिया दत्त, जो साफ तौर पर कह रही थी कि जो लोग हैं उन्होंने उनका काम देखा है और उन्हें उम्मीद है कि ज़रूर इस बार फिर से एक बार उन्हें लोग चुनकर लेकर आएंगे। सेंटर
न्यू मुंबई से बीजेपी और महायुति के उम्मीदवार पूनम महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप कैंपेनिंग करी, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? आप देख ही रहे हैं, आंखों देखा है, कहां कहां भी जाती है लोगों का प्यार और उत्साह मिल रहा है। लोग जिस प्रकार से ऊब गए 10 साल की कांग्रेस की सत्ता से, उनका राग, उनका गुस्सा बाहर आ रहा है। और गुस्सा बाहर आते ही वो ये अपेक्षा करते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव के रूप से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री। मोदी जी की लहर कितनी देखने को मिल रही है? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी लहर देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ हमें बेनिफिट नहीं करेगी तो इस देश को डेवलपमेंट के हिसाब से, विकास के रूप से बेनिफिट करेगी। मैम, आपके सामने प्रियदत्त जी हैं और आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी के फरहान आजमी भी हैं। किसी को चुनौती मान रहे हैं आप? चुनौती हम अपने आप को माने, और चुनौती हर कोई किसी को मानता है। चुनाव में जो लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, वो किसी छोटी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। लेकिन मुझे विश्वास है, लोगों ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में कैसे काम कर चुकी है, अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, कैसे जिंदगी सुखकर हुई है। तो मुझे विश्वास है कि जनता प्यार देगी जिस प्रकार से वो प्यार दे रही है। और मेरा आखिरी सवाल आपसे है, अगर आप जीत जाती है तो क्या कुछ मुद्दे मुंबई वासियों के, नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के लिए क्या कुछ करना चाहिए? नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी और हाउसिंग इश्यूज है। एयरपोर्ट लैंड पे हाउसिंग इश्यू है, वहाँ के लोगों की रिहैबिलिटेशन, मुंबई लोकल एक फेरी वालों का बिल है, उस बिल पे बात करना बहुत जरूरी। तो ऐसे 3-4 मुद्दे जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, ये दो मुद्दों पे हम काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ट्रैफिक की सुविधाएं। एक और सवाल यहाँ पर ये है मैडम, पूनम महाजन जी को नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की जनता है क्यों वोट? मैं वही कह रही हूँ, जिस प्रकार से गत 10 सालों से मुंबई में 6-6 कांग्रेस के सांसद आके भी मुंबई शहर के लिए कुछ नहीं कर पाए। यहाँ के बैठे हुए सांसद कहते हैं उन्होंने 400-500 करोड़ का फंड यूज किया, लेकिन वो फंड ना कहीं दिखाई दे रहा है, ना वो खुद दिखाई दे रही है। जनता को आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा किस परिस्थिति से इस नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के लोग जा रहे हैं। लेकिन हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रही थी पूनम महाजन, साफ तौर पर जो कह रही थी कई ऐसे मुद्दे हैं जो 5 सालों में देखने चाहिए थे लेकिन नहीं देखे, और अगर वो जीत जाती हैं तो काफी कुछ नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के लिए उन्होंने सोच के रखा हुआ है। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फरहान आजमी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं कुर्ला इलाके में, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ मुद्दे नजर आते? आपने सुना होगा कि ये सिर्फ पिछले बार जब इलेक्शन शुरू हो रहा था तब आई थी, तो पिछले 5 सालों में यहाँ पर आके उन्होंने झांका भी नहीं है। आप पिछले देख लें कि किस तरीके से ये गटर बह रहा है, और यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स अगर आकर के देखे तो प्रियदत्त जी का जो है नामांकन ही जब्त कर ले, वापस ले ले, क्योंकि उनको ऐसे लोगों को हमको यहाँ से हटाना होगा। और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि जो आपका काम ना करे, आपने एक मौका दिया उनको, अब मौका ना दें, अब उनको घर बैठा दें ताकि वो कुछ चिंतन मंथन करके फिर वापस आए हमारे बीच लड़ने के लिए। तो रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ सेंट्रल सीट से आप खड़े हो रहे, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स देखिए, ये तो आप 16 मई को ही देखेंगे जो रिस्पॉन्स होगा। मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के करम से इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को। लोगों में जो आक्रोश और गुस्सा है और जो नाराज़गी उन्होंने दिखाई है कि हमारे बीच उन्होंने कभी आकर के हमारी बातों को ही नहीं सुना। आज एक MP बनने के बाद अगर इंशाल्लाह बन जाऊंगा तो हमको कॉर्पोरेटर का भी काम करना पड़ेगा, और मैं तैयार हूँ करने के लिए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। और ख़ास तौर से सिर्फ देखिए, जहाँ भी मुस्लिम इलाका है वहाँ पर जानबूझ करके उनके पानी को बंद कर दिया जा रहा है, जानबूझ करके वहाँ प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ा दिए जा रहे हैं ताकि ये बाबा सिद्दीकी नामक जो उनके एक MLA हैं जो प्रॉपर्टीज़ को हड़प करके सिर्फ बिल्डरों के साथ में वो आज यहाँ पर उनका हक बेच रहे हैं, तो ये उनको सबक सिखाना होगा, उनको अरेस्ट करना होगा और उनको जेल भेजने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आपके सामने बीजेपी से पूनम महाजन भी हैं, मौजूदा सिटिंग MP प्रियदत्त भी हैं, आम आदमी पार्टी के, किसी को चुनौती मांगी? मैं देखिए, यहाँ पर किसी और के नाम को लेकर के अपना इलेक्शन मैं नहीं बर्बाद करूँगा। समाजवादी पार्टी आइडियोलॉजिकल पार्टी है और यहाँ पर हम आइडियोलॉजिकल मुद्दे वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अपना कैमरा अगर घुमाएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि क्या यहाँ की स्थिति है, और मुझे शर्म आती है कि हम लोग इतने सफ़ेद और साफ कपड़े पहन के घूम रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे
उनके पास चप्पल ही नहीं है। बाबा सिद्दीकी साहब शराब बांट रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस झोपड़पट्टी में आए और प्लीज चप्पल बांटने, चप्पल क्यों नहीं बांट रहे हैं, वो किताबें बांटें, कलम बांटें। आज हमको कलम और किताब की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, लेकिन वो नहीं बांटेंगे। वो वोट खरीदेंगे। 1000 रुपया एक वोट का भाव कांग्रेस ने खोला है आज, और शर्म आनी चाहिए। और मैं मांग करता हूं इलेक्शन कमीशन से कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे पास फोटोग्राफ्स है जहां वो शराब बांट रहे हैं लोगों को, और खुद मुसलमान होने के साथ वो शराब पीने का काम करते हैं रमजान जैसे महीने में, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और ये लड़ाई उससे जो है ऊपर वाला हमको जिताएगा, और यहाँ की जनता और हमारे कार्यकर्ता हमको जिता रहे हैं। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की जो जनता है वो फरहान आजमी जी को वोट क्यों दे? देखिए, फरहान आजमी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। फरहान आजमी के साथ में आज पूरी जनता नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, हिंदू भाई, उत्तर भारतीय, मुसलमान भाई, कैथोलिक समाज के सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज इन लोगों की लड़ाई वो युवाओं की लड़ाई कौन लड़ेगा, बच्चों की लड़ाई और जो हमारे सीनियर सिटीजन उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो ये वोट हम मांग रहे हैं इन लोगों के हक के लिए। आज जो गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो ज़रूरत है कि हम इस फासले को कम करें और समाजवादी पार्टी नीचे दबे हुए लोगों को ऊपर ला करके उनका हक दिलाने का काम करें। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। फरहान आजमी जो साहब बता रहे हैं कि चुनौती तो किसी को नहीं मानते, लेकिन इतना ज़रूर है जो मुद्दे थे जो 5 साल में कांग्रेस को करने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं नहीं हुए थे। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं फिरोज पालकीवाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गली गली आप घूम रहे, प्रचार कर रहे, किस तरह का रिस्पांस नॉर्थ सेंट्रल की जनता से आपको मिल रहा है? जी, जैसे मैंने कहा, जबरदस्त रिस्पांस मिला है। हर आदमी की दिल खोल के हमसे मिलता है। हर आदमी बोलता है हम आपके ही इंतज़ार में थे। हर आदमी बोलता है इंशाल्लाह आप आएंगे ही, भगवान की कृपा से आप आएंगे ही। और मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि ये आपकी दुआ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी दुआ है कि हम हिला देंगे ये बात। यूथ से कैसा फीडबैक मिल रहा है? यूथ से तो और भी, मैं और भी ज़बरदस्त नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि यूथ से भी इतना ही फीडबैक मिलता है, बूढ़े लोगों से भी मिलता है, महिलाओं से भी मिलता है, सबसे इतना, वो सब हमें गले लगा के चाहते हैं। 24 तारीख को सर चुनाव है, क्या कुछ नए वोटर्स हैं जो युवा वोटर्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? जी, मैं ये अपील करना चाहता हूँ, सच सच के रास्ते पे चलो, सच को चुनाव चुनो, और हम पूरा देश हम बदल देंगे। हम सच्चाई का देश बन जाएंगे, जो हम अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें ये बदलना है और बदलेंगे ही। सर, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबके उम्मीदवार आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, किसी को चुनौती मान रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो इनके दिल में जो आप देख रहे हैं, कोई चुनौती हो ही नहीं सकती है। ये लोग का दिल बहुत खुल गया है, उनको मालूम पड़ गया है कि अभी मौका है और हमें ये मौका ना पकड़ना ही पड़ेगा। सर, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी की देश भर में लहर है, आप मानते हैं? ऐसा लगा मुंबई में? मैं हंसता हूँ। फिरोज पालकीवाला जी को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की जो जनता है वो वोट किस लिए दे आप? जी, क्योंकि वो जब हम उनसे बात करते हैं वो समझ जाते हैं कि हम दिल वाले हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं। और वो जान गए हैं कि सब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो खुद के लिए ही करना चाहती है। ये जो वो पैसे खर्चते हैं ये पोल कैंपेन पे 1000 करोड़, वो कहाँ से लाते हैं? आप पूछिए, उनको पूछिए, ये पैसे आप कहाँ से लाते हैं? हमारे पैसे हैं जो आप ले जाते हैं और वापस ये इलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। लोग ये समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए। यादव, आपसे पूछना चाहूँगा, मुंबई में दिल्ली जैसा देखने को मिलेगा केजरीवाल इफेक्ट? ज़रूर, जबरदस्त मिलेगा, आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे फिरोज पालकीवाला, नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में केजरीवाल इफेक्ट मुंबई में जरूर देखने को मिलेगा।
मौजूद हैं उत्तर मध्य मुंबई में, यहाँ पर लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या कुछ जो नेताओं के बयान हैं वो उन्होंने सुने हैं, किसको चुनना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस एमपी यहाँ से जो हैं फिलहाल सिटिंग एमपी हैं प्रिया दत्त जी, उनके बारे में क्या कुछ आपने देखा है इन 5 सालों में, और अब जो प्रचार हो रहा है उसमें कुछ बदलाव नज़र आता है आपको? 5 सालों में प्रिया दत्त ने कोई ख़ास काम तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किया नहीं है, लेकिन आज जो प्रिया दत्त को और उनके वर्कर को और हम लोगों को जितना मेहनत करना पड़ रहा है, अगर थोड़ा बहुत ही प्रिया दीदी जैसे स्लम एरिया के अंदर जैसा बहरामपाड़ा नौपाड़ा और भी ऐसे उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो भी स्लम एरिया है अगर उनको ध्यान देती तो आज इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। गारंटी के साथ हम लोग ये कर सकते हैं 101% की उनकी सीट विन है, लेकिन अब जो हालात पैदा हुए हैं और भी कैंडिडेट सामने खड़े हुए तो वो हिसाब से देखते हुए मजबूरी होकर के स्लम एरिया के लोग प्रिया दत्त को चुनने पर मजबूर है। उत्तर मध्य मुंबई में मोदी की लहर दिखती है, क्या कुछ कहना है यहाँ के नेताओं के बारे में? उत्तर मध्य मुंबई के अंदर मोदी की लहर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो माइनॉरिटी से रिलेटेड करते हैं, तो माइनॉरिटी से रिलेटेड करने के बाद नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जो उनके दिलों को छन्नी कर देता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम से जो गुजरात में आपने देखा होगा इस तरह का माहौल, इस तरह के दंगल और माइनॉरिटी के लोगों को काफ़ी तकलीफ पहुँचाई गई, तो इसके बाद उनका एक ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी नहीं अगर उसके अदर्स कोई अलग रहता तो शायद वो बीजेपी को चुनते, उसके अलग वो ऐसा सोचते हैं कि कांग्रेस ही सही, क्योंकि वो कुछ नहीं तो कुछ से कुछ सही। प्रचार देखकर लगता है कुछ काम होगा आपके लिए? प्रचार तो ऐसा है, इलेक्शन के टाइम में लोग जो है चले आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं उसके बाद में चले जाते हैं, जैसा मुस्लिम कमेटी का मुस्लिम लोग को बाद में इलेक्शन के टाइम ही याद आता है मुसलमान। आप बताइए क्या उम्मीद रखते हैं? सर उम्मीद तो ये रखते हैं कि हमारे जो नेता जो 15 साल से जो MP है यहाँ पर बांद्रा से इस वार्ड में के अंदर, वो तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही जरा उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ऐसा कोई ऐसा खास काम तो उन्होंने किया नहीं है, पर जब से ये अबू आसिम की सीट फरहान अख्तर की सीट खड़े हो गई यहाँ से तो मामला जरा तितना लगता है, अब पब्लिक कन्फ्यूज हो गई है कि प्रिया दत्त को देने या अपने अपने आदमी को सीट देना है, ये मामले में जरा बहुत कन्फ्यूज मामला चल रहा है, उतने में वो महाजन किधर रहती है वो मालूम नहीं है। दोनों की लड़ाई के अंदर कहीं तीसरा निकल जाए। आप बताइए आम आदमी पार्टी का कुछ इफेक्ट दिखता है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। किसको देखते हैं अपना MP बनते हुए, किसको देखते हैं? MP तो प्रिया को बनते हुए देख रहे हैं, मगर ऐसा दूसरा कोई कैंडिडेट दिख रहा नहीं। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, आपसे जानना चाहेंगे मैडम किसकी लहर देखते हैं यहाँ पर उत्तर मध्य मुंबई में, कौन आपको लगता है जीत कर आएगा तो आपके लिए काम करेगा? मैं देखो मेरे को 40 साल हो गए मैं कांग्रेस के अंदर कार्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने किसी से ये उम्मीद नहीं करी कि मेरे को कोई ओहदा मिलेगा, कोई सीट मिलेगी या कोई मेरा काम करके देगा। प्रिया दत्त की लहर तो है इंशाल्लाह, देखो शायद हो सकता हो यहाँ पर वही आए, लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप आने के बाद हमारे अवाम पर और हमारी इस कॉलोनी पर अपनी नज़र करें और लोगों के काम बनाएं और लोगों का भला करें, ये नहीं कि अमीर को अमीर करे, बिल्डर को बिल्डर और खुद भी उनसे फ़ायदा उठाए और ऑफिसर्स उठाए और गरीब वहीं सड़ते रहे सालों साल। 84 का प्लान था लेकिन आज तक यहाँ बिल्डिंगें डेवलप नहीं हो सकी है, आज भी लोग झोपड़े में 45 के रहने वाले लेकिन वो खाड़ी में ही पड़े हुए, SRA स्कीम आने के बाद भी सिर्फ एक ही SRA की बिल्डिंग बनी है जो आशियाना है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है? हाँ, हमारा कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये ताकतवर पार्टी है, ऐसे पार्टियां जनता पार्टी हुकूमत करके गई, शिवसेना हुकूमत करी और तुम्हारे कई हुकूमत करके खजाने खाली करके गए, लेकिन अगर हुकूमत चला सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी चला सकती है, बाकी क्या है कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, ये जो पार्टी है ये राजा भोज है, यही हुकूमत चला सकती है और ये जो सब लल्लूपन जो है ये हुकूमत चलाने का काम नहीं है। कि महाराष्ट्र में 48 सीट है, एक भी मुस्लिम सीट क्यों नहीं दी गई मुसलमान, एक भी कांग्रेस ने मुसलमानों को सीट क्यों नहीं दी, इसलिए लोगों ने अपना जहन बनाया है, अब की बार मुस्लिम नौजवान तबके ने एक जहन बनाया है कि हम लोग जब तक इस सीट से प्रिया दत्त को नहीं हराएंगे उस वक्त तक मुसलमान को यहाँ से सीट नहीं मिलेंगी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से प्रिया दत्त की सीट हारे और मुसलमान जैसा कि बाबा सिद्दीकी हो, नसीम आरिफ खान हो, इसको यहाँ से मुसलमान एक सीट मिली, यहाँ से मिला जाए। यहाँ पे जो असली मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना किसी की भी सीटें नहीं है क्योंकि वो युति में लड़ रहे हैं, लेकिन असली जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और जो भी होगा मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में यहाँ पे जो ये नॉर्थ सेंट्रल की जो सीट आती है यहाँ से प्रिया दत्त मेरे हिसाब से टफ कैंडिडेट मानी जाती है,
बिल्कुल यहाँ पर लोगों की जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि प्रिया दत्त ने काम किया, कुछ लोगों का कहना है कि काम नहीं हुआ है। अब आने वाले जो 16 मई के रिजल्ट होंगे उसमें साफ तौर पर पता चल जाएगा कि यहाँ से उत्तर मध्य मुंबई से कौन जीता है। कैमरामैन अनिल पवार के साथ आसिफ रिजवी, B7 न्यूज़, मुंबई।